ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेकंड क्लास ऑफ कस्टम्स सेकंड क्लास ऑफ कस्टम्स में आपका हार्दिक स्वागत है और कस्टम्स जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप इस चैप्टर को ठीक से इस पूरे लॉ को ठीक से समझ लिए तो यही नहीं आपको फाइनल लेवल तक ये चैप्टर साथ देगा बिकॉज अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब कुछ फाइनल इंटरेस्ट सबके लिए कॉमन है यानी यहां तक अभी तक जो भी हम लोग स्टार्ट किए हैं एवरी थिंग विल इज देयर फॉर इंटर लेवल एज वेल एज फाइनल लेवल तो सर अगर अभी आप कस्टम्स लॉ ठीक से पढ़ लेंगे तो फाइनल लेवल पर भी आपको कस्टम लॉ आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कुछ भी दिक्कतें नहीं होगी मेरे पास बहुत सारे क्वारीज आया था लास्ट लास्ट डे कि सर ये जो भी क्लासेस चल रहा है क्या ये फाइनल लेवल के लिए भी एप्लीकेबल है बिल्कुल एप्लीकेबल है सब कुछ फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल और इंटरमीडिएट के लिए भी एप्लीकेबल है ठीक है तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू टू डिज क्लास टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी लास्ट क्लास अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी में क्या क्या पढ़े थे एक बार उसको रिकैप्चुलेशन करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी में जो मैंने आपको मेन कल यू you नो know, पढ़ाया था वो वैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी को लेकर पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कितने टाइप्स के होते हैं सबसे पहले आपकी एसेसिबल वैल्यू पे जो वैल्यूएशन आपकी निकली है वैल्यूएशन क्या चीज का इंपोर्टेड गुड्स का क्योंकि अल्टीमेटली कस्टम ड्यूटी कब लगता है कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन पे लगता है व्हेन यू हैव इंपोर्टेड सम गुड्स इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंडिया देन कस्टम ड्यूटी विल बी लेवेड एंड दैट कस्टम ड्यूटी विल बी लेवेड इज नोन एज बेसिक कस्टम ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको लगाना पड़ता है आपके एसेसिबल वैल्यू पे आफ्टर लेविंग बेसिक कस्टम ड्यूटी उूटी यू हैव टू इंपोज सरचार्ज सोशल वेलफेयर सरचार्ज दैट इज द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन द बेसिक कस्टम ड्यूटी ध्यान रहे बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो भी अमाउंट आएगा उस पर टेन परसेंट आपको ऐड करना है, है में नहीं दिया रहेगा, तो भी आपको ऐड करना है टैक्स में, में वैसे आपको कस्टम्स में सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट मैंडेटरी हमेशा ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो ये आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज के बाद आपका आता है ए AIDC is a cess which was introduced in Finance Act 21 specifically for financing agricultural infrastructure development. to so agricultural infrastructure development cess आपका लगाया जाएगा एक prescribed percentage पे on the assessable value अगर कोष्ट में दिया रहेगा तो आपने कर लेंगे ऐसा practice आपने करेंगे। उसके बाद आपकी line से additional duties आती है। additional duties कुछ specified articles के लिए आता है। डिशनल ड्यूटीज कुछ स्पेसिफाइड आर्टिकल्स के लिए आते हैं से फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया में बहुत हेवी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है और उससे इंडिया वाला को लगता है कि वो प्रोडक्ट अगर इंडिया में इतने बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट होगा तो करंट डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर ड्यूटी क्या करती है बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाती है गवर्नमेंट उस पर एडिशनल ड्यूटी एड करने लग जाती है ये हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट उस पर एडिशनल ड्यूटी क्या करने लग जाती है ऐड करने लग जाती है और एडिशनल ड्यूटी इसके फॉर्म पे गवर्नमेंट आपको कस्टम ड्यूटी लगा देती है जैसे कि सेफ गार्ड सेफ गार्ड नाम से लग रहा है सेफ गार्ड करना उस इंडस्ट्री को उस मार्केट को सेव गार्ड करना सेफ फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन अगर टेलीविजन इंडिया में हाई वैल्यू आई मीन हाई क्वांटिटीज में इंपोर्ट होने लगेगा तो टेलीविजन में गवर्नमेंट कुछ पीरियड के लिए सेफ ड्यूटी लगा देगी सेफ ड्यूटी क्या चीज़ के लिए डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिमिलरली एंटी सब्सिडी ड्यूटी कवर करेंगे हम लोग आइएस को एंटी सब्सिडी ड्यूटी एंटी सब्सिडी ड्यूटी क्या होता है एंटी सब्सिडी ड्यूटी होता है कि सर एक्सपोर्टर जो फॉरेन कंट्री में है एक्सपोर्टर जो फॉरेन कंट्री में आपको समझा नहीं रहा हूँ खाली एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अपने डिटेल में डिस्कश डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी में जब फॉरेन कंट्री में जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है तभी तो हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्री वाला जब इंडिया में एक्सपोर्ट मतलब मतलब ये कि एक्सपोर्टर है इंडिया के बाहर इंपोर्टर है इंडिया का तो बट गाइस कोई भी तो उस कंट्री का इनफ्लो बढ़ेगा अब एक्सपोर्टर्स लोग क्या मिलता है अपने फॉरन गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिल जाता है सब्सिडीज मिलने के कारण फॉरिन कंट्री में जो एक्सपोर्टर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लो हो जाती है क्योंकि उसको बहुत सारा सब्सिडी मिलकर रखा है बट वो इस प्रोडक्ट पे वो सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं दे रहा है मतलब मतलब बोलने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को इक्वल इक्वल फुटिंग फुटिंग में में लाना है फुटिंग में लाने का मतलब क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होनी चाहिए तो एक्सपोर्टर को अगर वहां पर सब्सिडी मिला उनके सरकार से तो वहां पर क्या हो रहा है उनका कॉस्ट कम हो रहा है तो वो जब इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे यानी इंडिया वाला जब इंपोर्ट करेगा तो लोअर वैल्यू में इंपोर्ट होगा एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक प्राइस तो वहीं पे क्या हो जाता है सर यहीं पे डोमेस्टिक मार्केट डिसरप्ट हो जाता है तो इस चीज को इस काउंटर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया विच विलोडिटीज ऑन दी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम फॉरिन कंट्री टू इंडिया डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में बट आपको ही मैं समझा रहा हूं कि सिलेक्टेड स्पेसिफाइड लगता है और अब योर स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज लाइक एआईडीसी हुआ या सरचार्ज हुआ ठीक है नेक्स्ट हुआ एंटी डंपिंग डंपिंग समझ में आ गया होगा डंपिंग मतलब क्या सस्ते दाम पर क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है यहाँ पे प्राइस 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 रोल्स अ तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल जैसे चाइना अपने समझते हैं ना ये चाइनीज प्रोडक्ट है ये तो चार सौ रुपये में दो सौ रुपये में भी मिल जाएगा इसका नकली माल भी मिल जाएगा ओरिजिनल माल नहीं मिलेगा तो अपने दिमाग में ये दिमाग में क्या है जब से अपने यू you नो know, थोड़े से अपना मेमोरी स्ट्रांग हुआ है तब से जब जब से अपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए थिंग्स को इकोनॉमी में वेन वी हैव स्टार्टेड सींग तो अपने दिमाग में एक पहले से ये कि यार चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है कोई भी प्रोडक्ट का तो वहां प्राइस हमेशा लोगा क्योंकि चाइना क्या करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में खेलता है चाइना वही चीज इतना मास प्रोडक्शन करता है कि उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या जाता है कम आ जाता है अब चाइना क्या करेगा चाइना हो सकता है कि वही प्रोडक्ट आपको इंडिया में लोअर प्राइस में एकदम लोअर प्राइस में सस्ते सस्ते दाम में सेल करेगा राइट इंडिया का क्या इंडिया विल बिकम अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ दैट प्रोडक्ट डंपिंग ग्राउंड में तो समझते हो कि सस्ते दाम पर वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुके हैं अब वो वही से कस्टमर्स को बिका जाएगा तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी बना लिया है वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बेचने के लिए तो वहां पे उनका तो मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड एट अ वेरी वेरी लोअर प्राइसेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्राइस मान लो अगर हज़ार रुपये का नॉर्मल प्राइस है और तुम चार सौ रुपये में बेच रहे हो तो तुम्हें छः सौ रुपये का एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगा डंपिंग ड्यूटी पे आपको anti duty pay करना पड़ेगा एंटी ड्यूटी सिमिलरली होता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सेफ ड्यूटी ऑलमोस्ट से गवर्नमेंट लेकर आती है डोमेस्टिक मैनुफेक्चर को इंक्रीज बल्क क्वान्टिटीज ऑफ इंपोर्ट को रोकने के लिए ठीक है तो ये सब बेटा कुछ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी आप पे लगाया जाएगा ये टोटल करके जो फाइनल वैल्यू आएगा टोटल समझते हो आपको वैल्यू सेबल वैल्यू से टोटल करना पड़ेगा एसेबल वैल्यू प्लस का स्पेसीडी प्लस एसडब्ल्यू एस प्लस ए आई डी सी प्लस ऑल एडिशनल ड्यूटी ये टोटल करके जो वैल्यू आएगा आपको उस क्या लगाना पड़ेगा आई जी एस टी आपको क्या लगाना पड़ेगा आई जी एस टी आई जी एस टी कौन सा रेट होगा जो भी उस कमोडिटी का आपका रेट है इंडिया में वही आपका आई जी एस टी का रेट होगा मान लो आईफोन अगर या फोन अगर एटीन परसेंट पे लगता है आई जी एस टी तो इं इंपोर्ट पर भी आई जी एस टी एटीन परसेंट ही लगेगा सर सेम जीएसटी कॉम्पनशन सेम्पन सेस लगता है तो वो सेम वैल्यू पे जिसपे आई जी एस लग रहा है उसी वैल्यू पे जीएसटी सेस लगेगा टोटल वैल्यू निकाल लेंगे टोटल वैल्यू माइनस जो एसेसेबल वैल्यू है वो आपका डिफरेंस हो जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी का तो ये तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं राइट फिर मैंने क्लियरेंस समझा दिया था क्लियरेंस फॉर गुड्स फॉर होम कंजम्शन एंड क्लियर ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिट इंड टू वेर हाउस या तो आप होम कंजम्पन के लिए क्लियर करेंगे या तो आप वेर हाउस के लिए डिपॉजिट के लिए क्लियर करेंगे तो होम कंजन के लिए अगर क्लियर करेंगे पहले तो आपको व्हाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा और अगर आप वेर हाउस के डिपॉजिट के लिए क्लियर करेंगे तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी येलो कलर की और फिर वेयरहाउस गुड जब आप क्लियर करोगे तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी ग्रीन कलर की ठीक है सर क्लियरेंस हो गया सर एसेसबल वैल्यू में ये चीज याद रखेगा एसेसबल वैल्यू इज ऑलवेज वैल्यूड एट सी आई एफ सी आई एफ कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट पे आपकी वैल्यूशन होती है जिस पे क्या क्या आ जाएगा एफ ओ बी वैल्यू आ जाएगा प्लस इंश्योरेंस आ जाएगा प्लस फ्रेट आ जाएगा ये तीन चीज मिलाकर आपको मिलेगा क्या सी आई एफ तो वैल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एफ ओ बी में अपने को रूल टेन वन रूल टेन टू को एडजस्टमेंट करना पड़ता है और वही आपका सी आई एफ है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड तो कस्टम्स एक्ट 1962 ही मेन अपने सिलेबस में है वो भी और उसके बाद टैरिफ एक्ट 1975 और कस्टम के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है अलग-अलग टॉपिक के रूल्स है तो चलिए सर आज अपने शुरुआत करते हैं बेसिक डेफिनेशन से और आगे-आगे बढ़ देंगे चार्जिबिलिटी टैक्सेबिलिटी और भी बहुत सारे पॉइंट्स को अपने आगे बढ़ेंगे तो ऑफिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कस्टम्स एक्ट 1962 टुडे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन कस्टम्स का नंबर टू में लिखा हुआ का सेक्शन नंबर टू में बेसिक डेफिनेशंस ऑलरेडी है तो आइए अपने कुछ डेफिनेशंस पहले पढ़ते हैं जो कि अभी अभी अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस है ठीक है सबसे आइए पहले पढ़ते हैं गुड्स ओके अल्टीमेटली कस्टम ड्यूटीज ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है ये अपने पढ़ते हैं गुड्स की डेफिनेशन अपने जीएसटी लॉ में भी पढ़ा था गुड्स की डेफिनेशन हमने जीएसटी लॉ में भी पढ़ा था कि गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मीनस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और नॉर्मली गुड्स की डेफिनेशन आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट फाउंडेशन में भी पढ़ के रखें ठीक है लगभग डेफिनेशन जो है सारे लॉज में सेम ही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा बट कस्टम लॉ में ऐसा नहीं है

और एक एयर रूट है और तो कोई रूट नहीं है यही तीन चैनल से गुड्स आएगा अगर लैंड से आएगा तो लैंड यानी वेहीकल वेहीकल गुड्स लेकर आएगा ठीक है अगर सी से आएगा तो एक वेसल वेसल शिप गुड्स लेकर आएगा और एयर से आएगा तो एयरक्राफ्ट गुड्स लेकर आएगा यही तो है तो ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन वहीकल गुड्स लेकर आ रहा है वो भी गुड्स है ट इज ऑल्सो गुड्स यानी गुड्स जिस वेहीकल में आ रहा है गुड जिस वेसल में आ रहा है गुड जिस uh, क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट में आ रहा है वो भी गुड्स है दैट इज ऑल्सो गुड्स आज मान लो मैं वेसल्स इंपोर्ट कर रहा हूं मैं वेहकल इंपोर्ट कर रहा हूं वो भी तो गुड्स है ना दैट इज इट सेल्फ इज अ गुड्स स्टोर्स 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 का मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे गए स्टोर्स मतलब गुड्स केप्ड इन वेकल्स आज मान लीजिए कोई भी व्हीकल जब चलता है तो उसमें पेट्रोल होता है डीजल होता है फ्यूल होता है उसके कुछ के उसके खुद के अपने सामान होते हैं जो व्हीकल्स में डिपॉजिटेड रहता है या एयरक्राफ्ट या वेसल्स में डिपॉजिटेड रहता है तो वो जो डिपॉजिटेड रहेगा वो जो डिपॉजिटेड रहेगा व्हीकल्स में या वेसल्स में उसको अपने स्टोर्स बोलते हैं मतलब उसका इनहाउस इन हाउस कैप्टिव यूज के लिए जो भी व्हीकल को यूज में आएगा वो उसको स्टोर्स बोलते हैं नेक्स्ट हुआ बैगेज बैगेज हुआ क्या सामान उसके साथ जो भी सामान होगा वो गुड्स है करेंसी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स करेंसी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कोई भी तरह का करेंसी हुआ नोट्स हुआ कोई भी प्रिंटेड करेंसी हुई ये सब कॉइन्स हुआ ये सब आपका गुड्स है एंड एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ इसमें से कौन कौन से गुड्स नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट तो यू शुड बी नोइंग ऑल दीज डेफिनेटी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगा वो गुड्स के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा तो <coughs> यह सब गुड्स है और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स है नेक्स्ट आते हैं बेटा ड्यूटिएबल गुड्स में ड्यूटीएबल गुड्स वट डू यू मीन बाई द टर्म ड्यूटीएबल गुड्स ठीक है सिंपल सा बात आप समझो सिंपल सा बात आप समझो कस्टम्स टैरिफ एक्ट ओके मैं आज आपको खोल के दिखाऊंगा कस्टम्स टैरिफ एक्ट खोल के दिखाऊंगा ओके कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में लाइन से गुड्स का मेंशन किया हुआ है ठीक है लाइन से गुड्स का मेंशन किया हुआ है बहुत सारे गुड्स है जो कस्टम टैरिफ एक्ट में मैंशन ही नहीं है जरूरी नहीं है कि सारे गुड्स कस्टम टैरिफ एक्ट में रहेंगे जो भी गुड्स कस्टम टैरिफ एक्ट में है और उसमें अगर ड्यूटी चार्जेबल है चार्जेबल मतलब उसमें ड्यूटी लग रहा है परसेंटेज पे और वो ड्यूटी जो लग रहा है वो ड्यूटी पेड नहीं हुआ है अभी तक दैट ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड क्योंकि ड्यूटी पेड नहीं है ड्यूटी चार्जेबल है दैट इज नोन एज ड्यूटीएबल गुड्स यानी अगर ड्यूटी पेड हो जाता रिपीट अगर ड्यूटी पेड हो जाता तो ड्यूटीएबल गुड्स नहीं है क्योंकि तुमने ड्यूटी पे कर लिया है लेकिन क्योंकि वो वो ड्यूटी पेड नहीं है वो क्या बन जाएगा ड्यूटीएबल गुड्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा ड्यूटीएबल देखो हम लोग नीचे ना नॉन ड्यूटीएबल गुड्स भी पढ़ेंगे हम लोग है ना नीचे मैं आपको लिखवा दूंगा नॉन ड्यूटीएबल गुड्स भी पढ़ेंगे तो ड्यूटेबल गुड्स क्या है एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी जिसपे ड्यूटी लगती है

वो किस तरीके से हमारे सामने आता है ओके सो व्हाट आई विल डू आई विल जस्ट शो यू देखो ये बेटा सीबीआईसी का वेबसाइट है जो भी लॉज मिलेगा आपको आईडीटी को लेकर वो यही मिलेगा सीबीआईसी सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी डॉट जीओवी डॉट इन ओके आपको यही मिलेगा कैन यू सी दिस जीएसटी कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स तो अपने कस्टम्स में जाएंगे ठीक है अपने को कस्टम्स में देखना है तो अपने कस्टम्स में जाएंगे गिव a minute देखो कस्टम्स में आए कस्टम्स के एक्ट्स देखो ध्यान से देखना ध्यान से देखेगा अभी हम लोग सेक्शन टू पढ़ रहा है डेफिनेशन पढ़ रहा है हम लोग यही पढ़ रहा है सेक्शन टू वी आर स्टडिंग दिस डेफिनेशन ठीक है

याद है लास्ट क्लास ये अपने पढ़ चुके थे कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर कर रहा है तो उसके ऊपर भी कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होगा ठीक है ओके देखिए अब देखो अपने सेलेक्ट क्या किए एक्ट कस्टम्स एक्ट अब इसमें अपने को और एक नेक्स्ट एक्ट क्या दिख रहा है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 दिख रहा है आपको कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 वो हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 तो कस्टम टैरिफ एक्ट ना मेनली आपको जो दिखेगा वो देखेगा additional duties. क्या दिखेगा? जो मैंने अभी आपको ना ये ये सब ये सब जो भी duties वो आपको यही दिखेगा ठीक है ये मैं आपको दिखाऊंगा एट बी नाइन सब पढ़ेंगे हम लोग ये सब आपका एडिशनल ड्यूटीज है जो आपको यहां पर देखने को मिलता है ठीक है ड्यूटीज है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 सेवेंटी फाइव ओके देखो ये सब एक्ट है ये पूरा कस्टम टैरिफ एक्ट जो भी सेक्शन देखना है आप देख सकते हैं अभी हो गया कस्टम्स में जितने भी रूल्स है देखो बहुत सारे रूल्स है कस्टम्स में देखो बहुत सारे रूल्स है अलग अलग अपील के रूल्स अलग है ऑफेंसेस के रूल्स अलग है सेटलमेंट ऑफ केसेस के रूल्स अलग है मतलब बहुत सारे रूल्स है अपने को सब नहीं पढ़ना है अपने को मेन वैल्यूएशन वाली रूल पढ़नी है ठीक है अपने मेन वैल्यूएशन वाला रूल पढ़ेंगे सर कस्टम्स बहुत वास्ट है मतलब फाइनल फाइनल के बाद भी में भी में इतना पोर्शन नहीं है कस्टम्स का जितना आपका एक्चुअल कस्टम्स है क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी दैट काइंड ऑफ लॉ विच इज प्रैक्टिकली हैज टू बी सीन आपको प्रैक्टिकली चेक करना पड़ता है और प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं देखते हो तब तक आपको वो चीज का आइडिया नहीं होता है ठीक है कस्टम्स अब मैं आपको ना एक बार कस्टम्स का शेड्यूल दिखाता हूं देखो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना हा ये फर्स्ट शेड्यूल है ये फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है क्या लिखा है इसमें सेक्शन वन लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में खाली लाइव एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स का बात किया जाएगा पहले हर एक सेक्शन का एक नोट्स होता है उस सेक्शन के नीचे चैप्टर होता है चैप्टर क्या होता है चैप्टर सब सब बाद में पढ़ेंगे आपको चैप्टर वन है लाइव एनिमल्स के ऊपर दिस एक्सेप्ट अब, अब यह सब एच एस एन कोड है यह क्या है एच एस एन कोड की कौन कौन सा एच एस एन कोड का गुड्स यहां कवर्ड नहीं है फिर देखो फिर हमने टैरिफ आइटम देखा डिस्क्रिप्शन देखा यूनिट देखा रेट ऑफ ड्यूटी याद है एक स्टैंडर्ड होता है एक प्रेफरेंशियल होता है एक स्टैंडर्ड होता है एक प्रेफरेंशियल होता है आप देखो ध्यान से चैप्टर नंबर वन है तो इसका टैरिफ स्टार्ट हो रहा है जीरो वन जीरो वन इसका टैरिफ स्टार्ट हो रहा है जीरो वन जीरो वन ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है लाइव हॉर्सेस एसेस म्यूलिस म्यूल्स एंड हिनीस ठीक है अब टैरिफ आइटम के नीचे ये है बेटा एच एस एन कोड कुछ याद आ रहा है आठ डिजिट का एच एस एन कोड होता है ये अपने जीएसटी में भी पढ़े थे और यही जो कोड है ये जीएसटी लॉ में भी यही क्लासिफाइड है क्या लिखा है कि अगर आप ये वाला प्योर ब्रिड ब्रीडिंग एनिमल्स को अगर आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो तो थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड रेट ऑफ बीसी लगेगा थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड रेट ऑफ बीसी लगेगा ठीक है हॉर्सेस फॉर पोलो पोलो के लिए अगर आप हॉर्सेस इंपोर्ट करते हो तो थर्टी परसेंट ड्यूटी लगेगा बाद बाकी के लिए भी थर्टी थर्टी है इसका सबका एच एस एन कोड है इसका सबका अब जीरो वन जीरो वन थ्री जीरो इसके नीचे थ्री जीरो वन जीरो थ्री जीरो टू जीरो थ्री जीरो नाइन जीरो जीरो वन जीरो वन नाइन जीरो इसके नीचे नाइन जीरो थ्री जीरो नाइन जीरो थ्री जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो सब टैरिफ आइटम्स है इसको क्या बोलेंगे अपने टैरिफ आइटम्स अब जीरो वन जीरो वन कंप्लीट हुआ तो अब जीरो वन जीरो टू स्टार्ट हुआ तो जो भी होगा आप जीरो वन जीरो टू में होगा फिर जीरो हो वन जीरो थ्री में होगा जीरो वन जीरो फोर में होगा जीरो वन जीरो फाइव में होगा जीरो वन जीरो सिक्स ये चलता रहेगा फिर आप आ जाएगा सेम चैप्टर आई मीन सेम सेक्शन वन का चैप्टर टू यहां पे क्या मीट एंड एडिबल मीट ऑफल अब ये क्या हो गया आपका जीरो टू जीरो वन क्योंकि यहाँ पे चैप्टर क्या है टू यहाँ पे चैप्टर क्या है तो चैप्टर का भी नोट्स है सेक्शन तो वही है चैप्टर का भी नोट्स है अब 0201 0202 0203 0204 यहाँ पे अलग-अलग क्लासिफिकेशन है 0207 ये सब एचएसएन कोड है सबका स्टैंडर्ड रेट प्रेफरेंशियल रेट अलग-अलग है फिर सेम आ गया चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री चलता रहेगा ठीक है।, है अब आप देखो अभी भी आप सेक्शन 1 में ही हो ठीक है अब मैं आपको सेक्शन 2 दिखाऊंगा चैप्टर वन कंप्लीट हुआ अपना ये चैप्टर थ्री है ये चैप्टर फोर है चैप्टर फाइव है क्या चल रहा है सेक्शन वन ही चल रहा है सब एनिमल्स एनिमल्स का ही बात हो रहा है चैप्टर सिक्स देखो क्या यहां पे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स क्या यहां पे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स सेक्शन नंबर कौन सा टू सेक्शन नंबर कौन सा टू वेजिटेबल प्रोडक्ट्स तो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ये चैप्टर आया तो जीरो चैप्टर सिक्स है तो जीरो सिक्स है चैप्टर नाइन होगा तो जीरो नाइन होगा चैप्टर नाइनटीन होगा तो वन नाइन होगा समझ में आ रहा है तो दिस इज हाउ जब भी अपने कोई भी तरह का कस्टम ड्यूटी रेट्स देखते हैं तो अपने ऐसे ही देखते हैं कि कौन से चैप्टर में अपने फॉल करेंगे कौन से सेक्शन में अपने फॉल करेंगे इसके ऊपर भी इंटरप्रिटेशन रूल्स है जो आपके सिलेबस में है कि मान लीजिए आप अगर कोई एक आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में भी फॉल कर रहा है और एक दूसरा कोड में भी फॉल कर रहा है दो कोड में भी आपका प्रोडक्ट फॉल कर सकता है मान लीजिए आप एक बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं अब वो बैटरी जो है एक इंडिविजुअल बैटरी का भी कोड अलग से है एक इंडिविजुअल बैटरी का भी कोड अलग से है और एक प्रोडक्ट है जिसमें बैटरी एम्बेडेड है जैसे मान लो कोई भी स्टोरेज स्टोरेज कोई भी एक स्टोरेज व्हीकल या कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम जिसमें बैटरी एम्बेडेड है तो बैटरी उसमें भी आ रहा है और एक आप अलग से भी एक बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब दो प्रोडक्ट है जिसमें दोनों में बैटरी है तो आपके ऊपर कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा क्योंकि आपके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी गुड्स पे लगेगा और वो गुड्स जो है वो दोनों जगह मैं बैटरी दोनों जगह क्योंकि आप बैटरी इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके लिए क्या रूल लगेगा आपके लिए कौन सा कोड लगेगा इसके ऊपर अपने इंटरप्रिटेशन रूल पड़ेंगे तो ये एक बेसिकली मैंने आपको आइडिया दिया कि दिस इज हाउ द कस्टम स्टैर फैक्ट इज बिंग ऑब्जर्व और यही एक्चुअली सारे प्रैक्टिशनर्स देखकर पढ़कर गाइडेंस लेकर

इंपोर्ट का मतलब क्या है इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इन टू इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंपोर्ट का मतलब क्या है नॉट परचेज इंपोर्ट का मतलब क्या है इंपोर्ट मीन्स कोई भी गुड्स को इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर आना तुम फ्री में लेकर आया पेमेंट करके लेकर आया कैसे भी लेकर आया दस नॉट मैटर यू हैव ब्रॉड दैट गुड्स इन टू इंडिया तो ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अब यहां पे मेरा आपसे एक सवाल है मान लीजिए कोई गुड्स है कोई गुड्स है आपको मैंने इंडिया का डेफिनेशन पढ़ाया था इंडिया इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स मींस 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है और 200 हंड्रेड नोटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है फॉर द पर्पज ऑफ मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन ठीक है अब कोई गुड्स आ रहा है ठीक है कोई गुड्स इंडिया की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सडनली डूब गया द गुड्स गॉट टाइटेनिक जैसे डूबा वैसे गुड्स डूब गया शिप डूब गया तो आपको तो लॉस हो गया क्या गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तुमको कस्टम ड्यूटी तो देना पड़ेगा क्योंकि तुमने इंपोर्ट कर लिया है नहीं क्योंकि गुड्स तो इंडिया आया ही नहीं इंपोर्ट ही नहीं हुआ गुड्स वॉज नॉट इंपोर्टेड इन टू इंडिया अगर गुड्स इंपोर्ट नहीं हुआ इंडिया में तो बात खत्म अगर गुड्स इंडिया में नहीं हुआ है तो बात खत्म तो इंपोर्ट इम्पोर्ट मीन ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तब भी कस्टम ड्यूटी लगेगा सिमिलरली एक्सपोर्ट मीन्स वॉट टेकिंग आउट ऑफ इंडिया इंडिया के बाहर लेके चला जाना टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करने के पहले ही गुड्स डूब गया डूब गया सर इट कुडेंट क्रॉस आउटसाइड इंडिया तो दिस इज नॉट एन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या इंडिया टेरिटरी छोड़ देना इंपोर्ट मतलब क्या इंडिया में घुस जाना इंडिया में घुस जाना दैट इज वाई इंडिया का डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड बी नोइंग वॉट इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया नेक्स्ट इम्पोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स क्या वेरी इंपॉर्टेंट इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या आप लोगों को लगता है कि मान लीजिए जनरली अपने यू you नो know, अपने नॉर्मल टॉक्स में अपने यही वर्ड यूज करते हैं यार ये चॉकलेट है ये इंपोर्टेड है स्विस मेड चॉकलेट है चलो स्विस मेड चॉकलेट गिफ्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स को या अपने मम्मी पापा को वट एवर अपने दिमाग में क्या एक तो होता है ना कि इंपोर्टेड है ये ठीक है ये इंपोर्टेड है ये ये बाहर इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता ये बाहर बनता है ये इंपोर्टेड है इंपोर्टेड ठीक है तो वहां पे आपके दिमाग में क्या रहता है कि फॉरेन कंट्री में मैनुफेक्चर्ड है और वो इंडिया में इंपोर्ट हुआ है अब इंपोर्टेड बोलते हैं कस्टम लॉ ऐसे नहीं समझता है कस्टम लॉ इंपोर्टेड गुड्स को तभी इंपोर्टेड समझता है अगर वो गुड्स इंडिया में आई राइट अगर वो गुड्स इंडिया में आई लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुई रिपीट बेटा अभी तक वो क्या नहीं हुई उसको इंडिया का गेट पास नहीं मिला है उसको इंडिया का गेट पास नहीं मिला कि आओ बेटा ड्यूटी पे करो और चले जाओ वो जब तक ड्यूटी पे नहीं करेगा तब तक वो इंपोर्टेड गुड है लेकिन जैसे वो ड्यूटी पे कर देगा वो इंडियन का टेरिटरी में घुस जाएगा तब तुम मेरे को आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि सर ये तो इंडिया का गुड्स में ही मिल गया अब डोमेस्टिक मैनुफैक्चर डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो तो इंडिया वाला गुड्स भी खरीद रहे हैं फॉरेन वाला गुड्स भी खरीद रहे हैं सभी खरीद रहे हैं अब वो गुड्स इंडिया में घुसने के बाद ड्यूटी पेड के बाद इंपोर्टेड गुड ना रहा इंपोर्टेड गुड तभी तक इंपोर्टेड अंटिल द टाइम वेन इट इज नॉट क्लियर होम कंजम्पन मोमेंट इट इज क्लियर फॉर होम कंजन इट इज नॉट एन इंपोर्टेड गुड मतलब अगर गुड वेयर हाउस में डिपोजिटेड नहीं है वो अभी भी इंपोर्टेड गुड है वो अभी भी इंपोर्टेड गुड है बट द मोमेंट इट इज क्लियर फॉर होम कंजम्पन इट इज नो मोर कैरिंग द टैग ऑफ इंपोर्टेड गुड बिकॉज इट हैज बीन पेड क्यों इंपोर्टेड गुड क्यों माना जाएगा अरे भाई ड्यूटी पे हो चुका है तुमने जो कस्टम ड्यूटी चार्ज किया है उससे क्या मतलब उससे फर्क उससे प्रूफ हो गया कि ड्यूटी हैज बिन चार्ज एंड क्योंकि ड्यूटी हैज बिन चार्ज इट इज अगेन द लेवल प्लेइंग फील्ड हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एंड द फॉरन मैनुफैक्चर इट विल बी डीम्ड दैट दैट गुड्स हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया क्योंकि तुमने ड्यूटी चार्ज कर लिया और अगर तुमने ड्यूटी चार्ज कर लिया तो सर देर इज नो मोर दैट इट इज अ इंपोर्टेड गुड वो तो कस्टमर अपने हिसाब से यू you नो know, एक तो क्लास बना लेता है माइंड में कि नहीं ये तो बाहर का है ये तो ये क्योंकि वो पैकेजिंग में वैसे ही लिखा हुआ रहता है अब स्विस मेड चॉकलेट तो वहां पे लिखा हुआ ना मेड इन स्विट्जरलैंड उसको थोड़ी ना तुम मिटा के मेड इन इंडिया कर देगा वो तो पॉसिबल नहीं है जो स्विस मेड चॉकलेट उसका ब्रांड है अब जैसे ये लिंड चॉकलेट आता है एल आई एन डी टी ये स्विस मेड चॉकलेट है सबको पता है सब लोग वैसे ही परचेस करते हैं उसके उसका प्राइस भी बाद बाकी चॉकलेट से बहुत ज्यादा हाई रहता है स्विस मेड चॉकलेट जो होता है वो डेफिनेटली है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट चॉकलेट मैन्युफैक्चरर स्विट्जरलैंड है वहीं पे सारा चॉकलेट्स है चीज है सब वहीं पे बनता है ठीक है इंपोर्टेड गुड्स एनी गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर फॉर होम कंजम्शन या लिखना वंस The goods are cleared for home consumption. It is no more imported goods, because imported goods' definition is excluded. है. Once the goods are cleared for home consumption, it is no more imported goods. ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टर का मीनिंग क्या है? इंपोर्टर का मीनिंग क्या है? सर बेसिकली जब इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो रहा है जब वो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है और जब वो क्लियर हो रहा है उसके बीच कोई तो होगा ना जो उस गुड्स को क्लेम करने के लिए आएगा कि ये गुड्स मेरा है वो इंपोर्टर है ऐसा तो नहीं है ना गुड्स आ गया आपको इसका ओनर ही नहीं है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इम्पोर्टर इन रिलेशन टू अ गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन एंड द टाइम व्हेन दे आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन मतलब पॉइंट ऑफ इंपोर्ट एंड पॉइंट ऑफ क्लियरेंस इस बीच जो भी पर्सन है जो उस गुड्स को ओन कर रहा है ही इज द इंपोर्टर ध्यान से देखना यहां पे वेयर हाउस भी आ जाएगा आपने इंपोर्ट किया वेयरहाउस में डिपॉजिट किया बट आपने वेयरहाउस में गुड्स बेच दिया किसी और को तो जिसको बेचा वो क्लियर कराएगा एंड ही विल होल्ड आउट हिमसेल्फ टू बी द एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स विल बी द इंपोर्टर मतलब जो भी बोलेगा मैं इस गुड्स का ओनर हूं वही इंपोर्टर है डेड यू अंडरस्टैंड जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिनली गुड्स इंपोर्ट किया था वही इंपोर्टर है. Before clearance, अगर सेल हो गया है जिसको बेचा है वो इंपोर्टर है अल्टीमेटली जो गुड्स साथ में लेकर जाएगा इंडिया वो इंपोर्टर है तो इंक्लूड एनी ओनर और द पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इंपोर्टर जो खुद से मान लोको क्या इंपोर्टर देखिए आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा प्लीज राइट टू अंडरस्टैंड बट डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है सो दट फ्यूचर में जो भी चैप्टर उसका लॉजिक क्लियर होगा डेफिनेशन पढ़ना बहुत प्लीज है. है, बोलो एवरी वन प्रोहिबिटेड गुड्स इंपोर्टेंट मार्क करना स्मगलिंग सबको पता है मूवीज में देखें क्या होता है स्मग्लिंग इंडिया में ना बेटा लेट मी टेल यू इंडिया का एक रूट मैप है इंडिया का एक रूट मैप है कि अगर आपको इंडिया पहुंचना है तो दिस आर द प्रोस्क्राइब रूट्स जिसके थ्रू आप इंडिया पहुंच सकते हो ये कस्टम का बाउंड्रीज इसको अपने बोलते हैं कस्टम का बाउंड्रीज अगर आपको इंडिया आना है तो यू कैन कम टू इंडिया ओनली थ्रू दिस प्रिस्क्राइब रूट आपको पता है गुड्स के लिए भी है और अपने लिए भी है ये जो एयरक्राफ्ट चलते हैं ट्रेन चलते हैं वेसल्स चलते हैं इन सब का रूट मैप है उसी रूट को फॉलो करके आप इंडिया आ सकते हैं अक्रॉस दी कंट्री आप कहीं पे भी आओ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप इसी रूट के थ्रू इंडिया आ सकते हैं अगर आप इस रूट के अलावा किस रूट में आ रहे हैं और गुड्स लेकर आ रहे हैं तो आप स्मगलिंग कर रहे हो आप स्मगलिंग कर रहे हो आप कोई सडनली बीच से आए बीच 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 गोवा के बीच से एंटर किए बोर्ड के दो स्मगलिंग है वो बीच में कोई आता है विवेक बोलते हैं हाँ सर आ सकता है बीच के थ्रू अगर आप आते हो स्मगल कर रहे हो स्मगल स्मगल और वो अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है स्मगलिंग और जोर सा चाटा पड़ेगा आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टी में अगर आप पकड़े गए स्मगल करते हुए तो जेल भी हो सकता है और पेनल्टी दो जाएगा वो अलग और आप जेल के जाओगे बिहाइंड द बार्ड्स अलग अगर आप स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए ये एक एक्टिविटी है दूसरा कुछ कुछ गुड्स है जो इंडिया में इम्पोर्ट करना प्रोहिबिटेड है प्रोहिबिटेड समझ रहे हो प्रोहिबिटेड मतलब ड्यूटी पे करके भी नहीं कर सकते अलाउड ही नहीं है वो इंडिया में इंपोर्ट करना ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट किसी प्रिस्क्राइब क्लास को अलाउ किया तो बात अलग है वरना आप इंपोर्ट नहीं करते सकते जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन हर कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता डिफेंस कर सकता है ना इंडिया का इंडियन आर्मी कर सकता है ना तो आप कुछ कुछ गुड्स जो है बेटा वो आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते यू कैन नॉट इंपोर्ट दो इन टू इंडिया इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आप गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन और वो कंडीशन आपने कंप्लाई कर लिया तो क्या वो भी प्रोहिबिटेड गुड्स है नहीं प्रोहिबिटेड गुड्स मतलब वो जो कस्टम लॉ जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोहिबिट करके रखा है दैट्स इट प्रोहिबिटेड है तभी तो हम स्मगलिंग करते हैं तभी तो हम स्मगलिंग करते हैं तभी तो अरे भाई क्या बोलूँ तुमको कल दो दिन पहले ही मैं अपना स्क्रीन गार्ड चेंज कराने के लिए गया था ठीक है सो जिस फोन के शॉप में गया था वो फोन का पूरा प्रॉपर डीलर है वो ठीक है मतलब उसका वो सारा फोन्स रखता है वो होते हैं ना अपने ये जो सैमसंग के शॉप्स होते हैं या फिर वो अलग अलग वो अलग अलग डीलर्स होते हैं वो सारे कंपनी के डीलर्स है अब वो लोग का क्या सेटिंग है उन लोगों का सेटिंग होता है एंड जैसे एग्जाम्पल है आप उसके बारे में सुने होंगे ये क्या बोलते हैं इसको एप्पल वॉच एप्पल वॉच ठीक है अब एप्पल वॉच अगर मैं इंडिया में इंपोर्ट करूंगा तो मुझे ड्यूटी पे करना पड़ेगा ठीक है एप्पल वॉच अगर मैं इंडिया में इंपोर्ट करूंगा तो मुझे ड्यूटी पे करना पड़ेगा तो जो डीलर है वो वो क्या कर, 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 कर के रखे कस्टम में कोई भी तरह का मान लो कोई सेटिंग कर लिया ठीक है कि मान लो कोई कोई कंसाइनमेंट में हजार एप्पल वॉच आया ठीक है हजार एपल वॉच आया एक वैल्यू पे आया ठीक है कस्टम उसको सीज कर लिया क्योंकि उसमें ड्यूटी पेड नहीं था वो प्रॉपरली ड्यूटी पेड या किसी देखिए सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता अभी क्योंकि अभी आप बहुत इमेत हो लेकिन क्या होता है कि क्या होता है कि आप छुपा के ले आए या फिर आप किसी गुड्स में मिक्स करके ले आए तो जो डिपार्टमेंट है वो पकड़ लिया डिपार्टमेंट पकड़ लिया कि देखो ये जो वॉच है तुमने यहाँ छुपा कर लाया अब ये वॉच क्या डिपार्टमेंट क्या करता है जिससे वॉच का बेल्ट होता है और उसका बीच में जो मेन Uh, जो मेन होता है ना जैसे वॉच है मैं मैं भी आज वॉच वॉच नहीं लाया का जो मेन बीच में जो पार्ट होता है ना वो तो मेन पार्ट वही होता है बाकी बाकी तो है, बाद बाकी तो है, तो बैंड बैंड होता होता है है मेन उसका जो वॉच रहता है डिपार्टमेंट उनका क्या सेटिंग होता है कि वो बेल्ट को फाड़ देते हैं वो बेल्ट को पूरा काट देते हैं ताकि वो गुड्स यूज नहीं हो और खाली जो बीच का बीच का जो पार्ट है ना उसको कुछ नहीं करते एंड दैट इज थ्रू अ सेटिंग क्योंकि वो बार क्या है वो दस दस बीस बार अगर आप देंगे तो मैं खुद अपने पॉकेट में डाल लूंगा और एक एक बार आता है चालीस चालीस हजार रुपया का so is, अब वो क्या करते वो बार को रखते हैं अब बार क्या रहता है फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट में ये डीलर्स को बेचा जाता है अब डीलर्स क्या करते हैं उसमें बेल्ट लगा के उसको बेचते हैं ये बोल के बेचते हैं कि ये कस्टम में माल पकड़ा गया था एकदम फ्रेश है एकदम कुछ डुप्लीकेट नहीं है एकदम सेकेंड कॉपी नहीं है आप इसको खरीद सकते हो हम आपको इतना परसेंट डिस्काउंट में देंगे अगर आप एप्पल से डायरेक्टली खरीदोगे तो आपको सेवेंटी थाउजेंड पड़ेगा लेकिन अब इसकी वैल्यू फोर्टी थर्टी क्यों हो गई क्योंकि कस्टम में पकड़ लिया गया था ये और कस्टम वाला भी पूरा डैमेज नहीं किया कस्टम वाला खाली बेल्ट हटाया बाकी जो मेन डायल है जिसको अपने डायल बोलते हैं जो मेन पार्ट है जो जो मेन वॉच है वो अभी भी वैसा ही है तो इस तरीके से यू नो गुड्स इंडिया में लाया जाता है इसको सब क्या बोलते हैं अपने कि वो अलाउड ही नहीं है गुड्स इंडिया में लेकर आना अगर आप लेके भी आ रहे हो तो आपने कंडीशंस फुलफिल हां आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं किया तो भी वो प्रोहिबिटेड गुड्स है तो भी क्या है प्रोहिबिटेड गुड्स है तो कस्टम ये इंश्योर करेगा कि वो इंडिया में नहीं आए और इंडिया में आए भी तो तोड़ताड़ के जिसका कोई यूज नहीं हो जिसका कोई यूज नहीं हो तो देखो क्या लिखा है एनी गुड्स द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय द कस्टम एक्ट और एनी लॉ बट इंक्लूड एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द गुड्स आर परमिटेड टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड हैव बीन कंप्लाइड यानी इसमें वो गुड्स इंक्लूडेड नहीं है जिसके कंडीशन सब्जेक्ट टू द गुड्स आर परमिटेड टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड हैव बीन विद अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया जिसका कंडीशन था और आपने फुलफिल किया तो वो गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है ठीक है कंडीशनल गुड्स अगर है तो वो अगर आपने कंप्लाई कर लिया तो वो गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है ये चीज आप याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट मार्क करो टेक्सेबल इट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन टू इंडिया देखो गते हैं ड्यूटी लगेगा प्लीज ट्राइटर जब कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होगा तो उसमें ड्यूटी लगेगा तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है कि जब आप बोल रहे हो जब आप बोल रहे हो कि गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होगा तब ड्यूटी लगेगा तो इम्पोर्ट तो एक बहुत वास्ट टर्म है कब आप बोलोगे कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है अल्टीमेटली इंपोर्टेशन पे ड्यूटी लग रहा है बट वेन विल यू से दैट दिस इंपोर्टेशन हैज हैपेंड कब आप बोलोगे कि इसकी इंपोर्टेशन हो गई है यही इसका टैक्सेबल इवेंट है कब आप बोलोगे कि इसकी इंपोर्टेशन हो गई है है यही इसका टैक्सेबल इवेंट विल यू से दैट द इंपोर्ट इज कंप्लीट कब आप बोलोगे कि इंपोर्ट हो गया है अब आप इसका टैक्सेबल इवेंट लेकर आ जाओ अब आप इसका टैक्सेबल इवेंट लेकर आ जाओ कब आप बोलोगे इंपोर्ट तो एक जनरल टर्म है किस टाइम पे आप बोलोगे बोलोगे कि वो इंडिया घुस गया है उस, उस टाइम पे बोलोगे घुस गया है पोर्ट पर आ गया है कि उस टाइम पे बोलोगे गुड्स जब क्लियर हो गया है अरे क्लियर होने के बाद कैसे बोल सकते क्लियर होने जा रहा है तो यू हैव टू क्वानिफाई यू हैव टू गिव अट यू हैव टू गिव अट ट इज द डेट वेन द लाइबिलिटी टू पे ड्यूटी विल कम तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है हम वो डेट को बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री क्या बोलते हैं जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे फॉर होम कंजम्पन आई रिपीट कब जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री यानी वाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल करोगे फॉर होम कंजम्पन इसी डेट को माना जाएगा कि आपकी ड्यूटी लगेगी इसी डेट को माना जाएगा कि आपकी ड्यूटी लगी और आप कब फाइल करते, करते हो पता कर है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अल्टीमेटली टैक्सेबल इवेंट बनता है आइए देखिए बेटा गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन यानी यहां पर क्या बात करेंगे हम ओरिजिनल क्लियरेंस ठीक है यानी आप सीधा साधा क्लियर करा लिए गुड्स फॉर होम कंजम्पन आपने वेयर हाउस में गुड्स नहीं डिपॉजिट किया मैंने बोला ना दो तरह का क्लियरेंस होता है एक एक फॉर फॉर होम डिपॉजिट इन वेयर हाउस तो क्या देखो? क्या लिखा लिखा देखो देखो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन टू इंडिया इंपोर्ट ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस वेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वॉटर्स एंड इट इज कंप्लीटेड मतलब क्रॉस मतलब समझ गए टेरिटोरियल वॉटर्स जब वो क्रॉस करता है प्लीज बेटा ध्यान रखना हम जब इंडिया का डेफिनेशन बात कर रहे हैं तो हम ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स बात कर रहे हैं जब गुड्स ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स के अंदर आ जाएगा जब वो ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स के रेडियस में आ जाएगा दो सो नोटिकल माइल तो इंडिया का रेंज है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वो भी क्या है ऑयल एक्सप्लोरेशन पर्पज के लिए लेकिन जो बारह नॉटिकल माइल है वो हार्ड कोर इंडिया है जो बारह नॉटिकल माइल है वो हार्ड कोर इंडिया है और जब हम इंपोर्टेशन का बात कर रहे हैं मतलब वो बारह नॉटिकल माइल के रेंज में आ जाएगा जब वो 12 नॉटिकल माइल्स के रेंज में आ जाएगा वेन इट क्रॉसेज द टेरिटोरियल वाटर्स मतलब जब वो वो आ रहा है है 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर चुका मतलब जब वो आ रहा है मतलब वो आ रहे, तो वो 12 नॉटिकल माइल के रेडियस में आ चुका है तो तब उसकी इंपोर्टेशन स्टार्ट हुई बट इट विल बी कंप्लीटेड कब जब वो क्लियर होगा जब वो क्लियर होगा और क्लियर कब होगा जब वो ड्यूटी पे कर देगा इट विल बी कंप्लीटेड दे बिकम पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री याद करो डेफिनेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अपने इंपोर्टेड गुड्स के डेफिनेशन में यही तो पड़े थे इंपोर्टेड गुड्स के डेफिनेशन में ही तो पढ़े थे इट ड इंक्लूड गुड्स विच इज विच इज क्लियर फॉर होम कंजन जो क्लियर हो चुका है वो इंपोर्टेड गुड नहीं है यानी इंपोर्टेशन एक्टिविटी कब स्टार्ट होता है जो बारह नॉटिकल माइल के रेडियस में आ गया है और कब कंप्लीट होता है वेन इट हैज बीन क्लियर फॉर होम कंजन दैट इज वेन इट बिकम मास पार्ट ऑफ द मास ऑफ द

दंट्री आप जैसे ही बेटा बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय ही आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं मैं आपको, आपको शॉर्ट में समझाऊं आपने जीएसटी पढ़ा है जीएसटी में जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो सेम कस्टम ड्यूटी में आप जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो बिल ऑफ एंट्री में आप सारा डिटेल गवर्नमेंट को दे देते हो मैं आपको बिल ऑफ एंट्री का भी कॉपी दिखाऊंगा डोंट वरी मैं आपको बिल ऑफ एंट्री का भी कॉपी दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या डिटेल जाता है कैसे कैसे क्या है एवरीथिंग तो बिल ऑफ एंट्री में सारा डिटेल्स आपको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आपने किससे इंपोर्ट किया किस कंट्री से इंपोर्ट किया कब इंपोर्ट किया क्या गुड्स इंपोर्ट किया क्या वैल्यू है क्या रेट है किस वेसल के थ्रू इंपोर्ट किया सब कुछ कब इंपोर्ट किया डेट आपकी गुड्स की वैल्यू क्या है जीएसटी अमाउंट क्या है रेट ऑफ टैक्स क्या है सब कुछ आपको बताना पड़ता है तो ये सेल्फ डिक्लेयर करते हैं अपने बिल ऑफ एंट्री में कि दिस इज माई कस्टम ड्यूटी विच आई एम पेइंग दिस माइ कस्टम ड्यूटी विच आई एम पेइंग तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो और कस्टम ड्यूटी पे कर देते हो डिड यू अंडरस्टैंड सर क्या पॉसिबल है कि आप करा सकते हो विदाउट बिल बिल ऑफ ऑफ एंट्री एंट्री नेवर नेवर एवर इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच यू आर एक्चुअली इंफॉर्मिंग द गवर्नमेंट कि मेरा ये इंपोर्ट है इतना ड्यूटी के लिए मैं लाइवल हूं मैं पे कर दिया तो इट जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच यू हैव टू फाइल इट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतना ड्यूटी मेरा बनता है और मैंने पे कर दिया

क्रिटिकल uh, होता है और वहां पे आपको हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है और इसलिए यहां पर कस्टम ब्रोकर ठीक है विल टॉक अबाउट इट कस्टम ब्रोकर्स होते हैं जो सी एच ए होते हैं अपने बोलते हैं कस्टम एजेंट्स होते हैं वो लोग को अपॉइंट किया जाता है सब सारा काम वो लोगों के थ्रू किया जाता है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स दे

क्योंकि खाली एक ये प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकली मैं अगर आपको और लेकर जाऊंगा तो ये एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है क्योंकि गुड्स की इंस्पेक्शन होती है गुड्स क्वालिटी चेक होता है मान लो आपने जो गुड्स मंगाया मान लो गवर्नमेंट को उसमें लगा कि नहीं उसमें तुम्हारा जो गुड्स है वो उसका क्वालिटी ठीक नहीं है या फिर यू you नो know, वो चीज़ इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए ठीक नहीं है तो वो उसमें कुछ ना कुछ यू नो इंटरफेरेंस करके आपका गुड्स क्लियर होने नहीं देंगे और अगर वो आपका गुड्स क्लियर होने नहीं देंगे तो आपके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटीज इंपोज की जा सकती है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे this, तो टैक्सेबल इवेंट क्या बेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन ठीक है ये हो गया ओरिजिनल क्लियरेंस अब अपने समझते हैं सर वॉट इफ अगर हमने गुड्स वेयर हाउस से क्लियर है ये हो गया मेरा जैसे ये वाइट बिल ऑफ एंट्री है यहां पे ग्रीन बिल ऑफ एंट्री आएगा ग्रीन समझ गए तुम डिपॉजिट करा दिए वेयर हाउस में क्यों डिपॉजिट करा बिकॉज मैं अभी ड्यूटी नहीं पे कर सकता हम ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि विल विल आई आई डिपॉजिट द गुड्स वेयर हाउस एंड नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन बहुत सारे कारण हो सकते हैं मुख मेरे को अभी गुड्स नहीं चाहिए अभी मैं अपने वेयर हाउस में गुड्स नहीं ले जाना चाहता आई डोंट वॉन्ट टू कीप द गुड्स इन माई वेयर हाउस आई डोंट हैव प्लेस आई हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस या फिर मुझे लग रहा है कि ये गुड्स थोड़े दिन में बाहर को बेच ही देंगे तो एक बार वेयर हाउस में डिपॉजिट करा दो या फिर मेरे पास पैसे नहीं है कस्टम ड्यूटी देने के लिए तो एक बार स्टॉप करो तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वाई विल आई नॉट क्लियर द गुड्स इमीजिएटली फॉर होम कंजम्शन बट आई विल कीप द गुड्स इन माई वेयर हाउस इन दी सॉरी इन दी कस्टम वेयर हाउस तो इसके लिए मुझे एक बार क्या फाइल करना पड़ेगा येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री और उसके बाद क्या फाइल करना पड़ेगा ग्रीन कलर के बिल ऑफ एंट्री फॉर फायर इंड क्लियरेंस मेरे को मेरा बात आपको समझ में आ रहा है अब आपसे यहां पर आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा बहुत ध्यान से सुनना इंपोर्टेशन का स्टेप कब कंप्लीट होता है जब गुड्स क्लियर हो जाती है कहा से वेयरहाउस से आज आपने आज आप गुड्स इंपोर्ट किए ठीक है पहला केस में हमने क्या पढ़ा आज ही आप गुड्स क्लियर करा लिए तो क्लियरेंस केस में तो सिंपल है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आपने इंपोर्ट किया बट आप वेयर में डिपॉजिट कराए। में डिपॉजिट आपका इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है क्या मुझे क्लियर करेंगे समझिए वरना रटना बहुत मुश्किल है बहुत सारा चीज है लर्न करने के लिए जब आप वेयरहाउस गुड्स क्लियर कराओगे तो उस समय आपको गेट पास मिलेगा गेट पास मतलब गुड्स इंडिया में जाएगा नाउ द गुड्स विल बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन गुड्स तो जिस दिन आप यह क्लियर कराओगे मतलब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन यहां पे भी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन ऑफ वेयर हाउस गुड्स जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन ऑफ वेयर हाउस गुड्स फाइल करेंगे उस दिन आपके ऊपर

कि पहला केस में जब हम ओरिजिनल क्लियरेंस करा रहा था तो जब मैं क्लियर कराने जा रहा हूं तब बिल ऑफ एंट्री लग रहा है सॉरी तब आई मीन ड्यूटी लग रहा है लेकिन दूसरे केस में जब मैं गुड्स वेयर हाउस से क्लियर करा रहा हूं सोचो जब मैं वेर हाउस में डिपॉजिट किया तो ड्यूटी नहीं लगा ड्यूटी की लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं क्लियर नहीं करा रहा हूं लेकिन जब वेयरहाउस गुड्स को क्लियर कराया तब मुझे ड्यूटी पे करने की लाइबिलिटी है टैक्सेबल इवेंट तब आएगा इंपोर्टेशन तब माना जाएगा डिड यू अंडरस्टैंड इंपोर्टेशन कब माना जाएगा जब मैं गुड्स होम कंज्शन के लिए क्लियर करवा रहा हूं इन केस ऑफ वेयर हाउसिंग होम कंजम्पन इंपॉर्टेंट होम यानी यहां पे कस्टम ड्यूटी क्या हो जाएगी डेफर हो जाएगी इन केस ऑफ वेयरहाउसिंग नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई डेफरमेंट नहीं है बट वेयरहाउसिंग केस के में आपकी कस्टम ड्यूटी डेफर कर दी जाएगी नॉर्मल केस में आपकी कस्टम ड्यूटी डेफर कर दी जाएगी कोई शक प्लीज बोलिए अब देखो बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत अच्छे से समझिएगा दो चीज डिस्कस करेंगे दोनों सेम दिखेगा लिखने में बट है नहीं बहुत ध्यान से सोचने का देखिए जब अपने कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन करने के लिए अपने को दो वै... अपने को क्या कैलकुलेशंस अपने को क्या वैल्यूज चाहिए होता है वेन एवर वी कैलकुलेट एनी कस्टम ड्यूटी वॉट डू वी एक्चुअली नीड सर अपने को चाहिए एसेसबल वैल्यू ठीक है और अपने को चाहिए बीसीडी का रेट ये तो चाहिए उससे को अपने अपने को मिल जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी का अमाउंट ये तो चाहिए हा बीसी का रेट किस दिन का लेंगे रेलिवेंट डेट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट भी चेंज होता रहता है कस्टम डायरेक्ट चेंज होता रहता है, है, है आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हो तो आपका भी हो सकता है जिस दिन आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं हो सकता है रेट उसी दिन चेंज हुआ हो तो उस सिचुएशन में बीसीडी का रेट आपको क्या लेना है जिसे जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई था ना अगर आपको याद होगा जीएसटी में आपको एक सेक्शन फोर्टीन पढ़ाया गया था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी कि बीसीडी रेट आप किस रेट का लेंगे प्लस एसेसेबल वैल्यू तो फॉरेन करेंसी में रहेगा कस्टम ड्यूटी तो फॉरेन करेंसी में रहेगी आप इंपोर्टेशन फॉरेन करेंसी में करोगे डॉलर पे करोगे ना डॉलर या फॉरेन करेंसी पे करोगे जब आप इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हो आप पेमेंट रुपया में करते हो कि डॉलर में करते हो डॉलर में करते हो तो आपको तो एसेसेबल वैल्यू हमेशा डॉलर में पता रहेगा आपको तो प्राइस एंड ऑल हमेशा डॉलर में पता रहेगा तो आपको इस यहां ये यह क्या चाहिए यहां पे आपको एक्सचेंज रेट चाहिए कि डॉलर का कितना रुपया होगा जिससे मेरे को ये एसेसिबल वैल्यू इन रुपीस मिल जाएगा मेरे को तो एसेसेबल रूपी में चाहिए मेरे को तो डॉलर में नहीं चाहिए को तो एसेसिबल वैल्यू रूपी में चाहिए तो अगर मुझे एसेसिबल वैल्यू रूपी में चाहिए तो वन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज जिससे मुझे पता चलेगा एक्सचेंज रेट तो वो एक्सचेंज रेट मुझे किस डेट का लेना है आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज रेट भी चेंज होता, होता रहता है तो यहां पर अभी आपको दो डेट्स का रेलिवेंट डेट देखना है एक बीसीडी रेट का कस्टम ड्यूटी रेट का और एक एक्सचेंज रेट का तो एक एक्सचेंज रेट का देखना है और एक ड्यूटी uh, रेट का देखना है ये दोनों चीज का आपको एक रेलिवेंट डेट समझ में आना चाहिए कि व्हाट विल बी द रेलिवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द कस्टम ड्यूटी एंड वॉट विल बी द रेलिवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट कौन से डेट का निकलेगा आपको एग्जाम में बहुत अलग अलग डेट का एक्सचेंज रेट दे देगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस डेट का एक्सचेंज रेट मेरे लिए एप्लीकेबल है सिमिलरली आपको कस्टम ड्यूटी का जो परसेंटेज है रेट है वो आपको अलग अलग डेट का दे देगा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे लिए इस डेट का कस्टम ड्यूटी रेट रेलिवेंट है अकॉर्डिंगली आप सम्स आगे करोगे समझ में आया पर्पज क्या है डिस्कशन का डिस्कशन का पर्पज समझ में आया ओके okay. देखो, सेक्शन 15 में आते हैं अभी अपने जो पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 15 रेलिवेंट डेट फॉर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी किस डेट का आपको कस्टम ड्यूटी निकालना है किस डेट का आपको कस्टम ड्यूटी निकालना है किस डेट का कस्टम ड्यूटी रेट निकलेगा तो अगेन यहां पर बेटा दो चीज है आपने पहले ही क्लियर करा लिया ओरिजिनल क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन या फिर आपने वेयरहाउस गुड्स क्लियर कराया या फिर आपने क्या क्लियर कराया वेयरहाउस गुड्स क्लियर कराया फॉर होम समझ में आया ये दोनों में फर्क है आप वेयरहाउस में गुड्स डिपॉजिट करके क्लियर कराए कि आप गुड्स ओरिजिनली क्लियर करा लिए इसका दो सेक्शन है जो अपने बाद में पढ़ेंगे सेक्शन 46 एंड सेक्शन 68 यानी जो व्हाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री है वो आप सेक्शन 46 में फाइल करते हो जो ग्रीन कलर का बिल ऑफ एंट्री है वो आप सेक्शन 68 में फाइल करते हो यानी गुड्स व्हेन क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन 68 में क्लियर करते हैं और सेक्शन 46 में जब आप गुड्स क्लियर करते हो फॉर होम वो आप सेक्शन फोर्टी में क्लियर करते हो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है गुड जब होम के लिए क्लियर होता है तो टैक्सेबल इवेंट इज डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम गुड जब वेयर हाउस से क्लियर होता है तो टैक्सेबल इवेंट इज डेट ऑफ गुड्सिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउसिंग फॉर होम बिल ऑफ एंट्री ओके तो देखो गाइस अन ये डेट तो आएगा ही आएगा ये तो खुद से ऑब्वियस बात है कि भैया जिस दिन तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है उस दिन का तुमको डेट देखना ही पड़ेगा जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो बेटा उस दिन का डेट आपको लेना ही पड़ेगा जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो क्या चीज के लिए होम के लिए। उस दिन का जो रेट है आप उसी दिन का रेट पकड़ लीजिए क्या उस दिन का कस्टम ड्यूटी रेट उस दिन का कस्टम ड्यूटी रेट लेकिन यहां पे और एक चीज है पहले हम लोग इसका प्रोविजन पढ़ेंगे फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन लेंगे आपका वेसल इंडिया में कब परमिट हुआ एंट्री लेने के लिए कब परमिट हुआ एंट्री लेने के लिए इसको अपने बोलते एंट्री इनवर्ड्स। व्हेन योर वेसल वाज अलाउड टू एंटर इनटू इंडिया व्हेन योर वेसल वाज अलाउड टू एंटर इनटू इंडिया जिस दिन आपका वेसल इंडिया में एंट्री ले लिया या फिर जिस दिन आपका एयरक्राफ्ट या व्हीकल इंडिया में

Is later, जो भी बाद में है उस दिन आपको लेना पड़ेगा रेलिवेंट रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन आपको लेना पड़ेगा रेलिवेंट रेट ऑफ ड्यूटी लर्न नहीं करना है बेस्ट पार्ट खाली लॉजिक समझ जाओगे प्रोविजन के पीछे तो आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा आपको लर्न कुछ नहीं करना है यहां कुछ नहीं रखना है बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है ध्यान से सुनना सर मैंने फर्स्ट ऑक्टूबर को एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी लिसन टू मी वेरी केयरफुली इस पर प्लानिंग होता था जिसके पीछे ये प्रोविजन आया मैंने फर्स्ट अक्टूबर को एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी क्या मैं कर सकता हूं एडवांस में मतलब गुड्स आया नहीं है और मैंने पहले ही बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया हां कर सकते हैं आप हमने पहले ही एडवांस में ड्यूटी पे कर दिया हाँ कर सकते हैं आप आप कर सकते हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे आप थर्टी डेज पहले तक एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं कितना दिन पहले थर्टी डेज पहले आपका एक्सपेक्टेड डेट है आपका एक्सपेक्टेड डेट है दैट योर व्हीकल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स इज ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स है 25 अक्टूबर आप एक्सपेक्ट करो कि आपका गुड्स 25 अक्टूबर तक आ जाएगा और ये पॉसिबल है बेटा आज के आईटी वर्ल्ड में पॉसिबल है शिप की मूवमेंट ट्रैक हो सकती है यानी शिप कहां पर आपका वेसल पूरे वर्ल्ड में कहां पर है कहां पे अभी है कितना दिन में जैसे कोरियर ट्रैक होता है ना कोरियर वैसे शिप की मूवमेंट ट्रैक हो सकती है हर एक वेसल का हर एक शिपिंग कंपनी का अपना एक रूट होता है और वो इंपोर्टर उसको ट्रैक कर सकता है कि वो पर पहुंचा है कितने दिन में आएगा सब कुछ उसको पता चल सकता है प्रोविजन के हिसाब से लॉ के हिसाब से विच एवर इज लेटर ठीक है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल मतलब इस दिन आपकी मान लो आपको गुड्स का एंट्री इनवर्ड मिल गया है जिस दिन आपका गुड्स आ गया है या जिस दिन आपका गुड्स अराइवल हो गया है एंट्री इनवर्ड यूज करते हैं फॉर वेसल और एयरक्राफ्ट और व्हीकल के लिए यूज करते हैं अराइवल है। जिस दिन आपकी गुड्स आ गई है इनमें से जो भी लेटर है ये होगा आपका क्या ये होगा आपका रेलिवेंट डेट तो यहां पे लेटर क्या है पच्चीस अक्टूबर तो इस दिन आपकी जो रेट होगी उस दिन का रेट आपको लेना पड़ेगा लॉजिक पता है लॉजिक है लेटेस्ट रेट लो लेटेस्ट लॉजिक क्या है, है लेटेस्ट रेट लो आज ऐसा क्यों अगर आप कर ऐसा आप क्यों कर सकते हो जैसे मान लो बेटा बजट आ रहा है बजट बजट ध्यान से सुनना समझते हो हर साल फर्स्ट फरवरी को हमारे देश में फाइनेंस बिल आता है बजट में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि इस गुड्स का या इस पर्टिकुलर सेक्टर का कस्टम ड्यूटी रेट बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा आप हो सकते हैं अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर ले कि आज ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करके अपना बुक कर लो रेलिवेंट रेट ऑफ ड्यूटी कल को अगर भर जाए तो हम हमारे पे भरा हुआ रेट नहीं लगे गौन बोलता ऐसा नहीं होगा बिल ऑफ एंट्री डेट और एंट्री इनवर्ट डेट विच एवरेज लेटर विच एवरेज लेटर जो भी आपका लेटर है उसी दिन हम क्या करेंगे उसी दिन का रेट लेंगे उल्टा भी हो सकता है आपका गुड्स आज अराइव हुआ हो बट आपने बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल किया हो तो जो भी बाद में है ऑफ एंट्री आपने जब भी फाइल किया दैट विल बी डेट फॉर पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी कोई शक अब मुझे बताओ, without any thought, जब कोई गुड्स इंडिया में आया ठीक है और वो चला गया पर? हाउस में चला गया किधर चला गया? एकदम सिंपल है ये ये गुड्स किधर चला गया हाउस में चला गया वो इंडिया में आ गया ना आ गया ना इंडिया में उसके अराइवल हो गई ना अरे बोलो अराइवल हो गई ना उसकी इंडिया में आ गया लेकिन अभी कहा चला गया है हाउस में पड़ा है हाउस से क्लियर होगा किस बेसिस पे? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम ये कौन सा बिल ऑफ एंट्री है ग्रीन कलर वाला बिल ऑफ एंट्री है मुझे बताओ यहां पे आपको क्या लग रहा है किस डेट का हमें रेलिवेंट डेट देखना चाहिए किस डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लेना चाहिए इस सिचुएशन में ये वाला जब तुम गुड्स ले जाने के लिए आओगे latest latest, latest rate of duty लेंगे। जब तुम गुड्स ले जाने के लिए आओगे जब भी 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 तुम आओगे, उस 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 दिन जो भी rate रहेगा, उस दिन दिन जो जो करोगे, रहेगा, का तुमको रेलिवेंट डेट लेना है उस दिन का तुमको रेलिवेंट डेट लेना है। जिस, भी तुम, जिस दिन तुमको ये करना है तो रेलिवेंट डेट विल बी वॉट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन रेलिवेंट डेट विल बी वॉट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन रेलिवेंट डेट विल भी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन देखिए गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम द वेर हाउस वेयर हाउस से अगर गुड्स क्लियर होगा तो किस दिन लेंगे डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्प्शन इज फाइल्ड इसको अपने बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री या लिखो फाइल्ड फॉर क्लियरेंस Filed for clearance of warehouse goods. Filed for clearance. Filed for clearance of warehouse goods. Filed for clearance. ऑफ warehouse goods गुड्स ये जो एंट्री इनवर्ड होता है ये एंट्री इनवर्ड आपको पढ़ाया जाएगा ये एंट्री इनवर्ड इज परमिशन टू एंटर द कस्टम पोर्ट परमिशन टू एंटर द कस्टम पोर्ट इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर कस्टम पोर्ट में एंट्री बिना उनके परमिशन के नहीं मिलेगा तो गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्शन फ्रॉम वेयर हाउस के लिए आपको बिल ऑफ एंट्री डेट लेना पड़ता है विच इज फाइल्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स इसको अपने बोलते हैं एक्स बॉन्ड ये बॉन्ड वर्ड क्यों अंडरस्टैंड दैट we'll अभी रुक जाओ तो समझ में आया टैक्सेबल डेट रेलिवेंट डेट किस डेट का लेंगे नॉर्मल क्लियरेंसेज के लिए बिल ऑफ एंट्री डेट और एंट्री इनवर्ड डेट विच एवर इज लेटर और वेरहाउस वेयर हाउस गुड्स का क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री डेट फॉर होम कंजम्पन डेट बाद बाकी अगर कोई गुड्स है तो वहां पे जिस दिन आपने ड्यूटी पे किया उसी दिन का रेट ले लो मान लो इट इज बेसिकली ड्यूटी डिमांडेड बाय प्रॉपर ऑफिसर मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने आपसे कोई ड्यूटी डिमांड किया आपने खुद से पे नहीं किया तो जिस दिन आप ड्यूटी पे कर रहे हो उसी दिन का रेट ले लो समझ गए क्या अदर केसेस में वो आ जाएगा ड्यूटी डिमांडेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर जिस दिन का आप ड्यूटी पेमेंट कर रहे हो उस दिन का आप रेट ले लो उस दिन का आप रेट ले लो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल देखिए बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट ऑगस्ट सिक्स एयरक्राफ्ट अराइव ऑन थर्ड ऑगस्ट सिक्सटीन एयरक्राफ्ट आया थर्ड ऑगस्ट को बट बिल ऑफ एंट्री आपने प्रेजेंट कर दिया फर्स्ट ऑगस्ट को तो इस सिचुएशन में द रेलिवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इज थर्ड ऑगस्ट

एक्सचेंज रेट कब का लेना है एक्सचेंज रेट समझ गए डॉलर का रेट क्या लेना है किस डेट का तुम्हें एक्सचेंज रेट लेना है फॉर द ऑफ ऑफ कन्वर्जन योर वैल्यू वैल्यू इन इन डॉलर डॉलर की जो वैल्यूशन आएगी आपको रुपया में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा एक्सचेंज रेट चाहिए सबसे पहला मेरा बात समझो एक्सचेंज रेट एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको पता ही है जो एक्सचेंज रेट अपना फाइनेंशियल मार्केट्स में चलता है जो आरबीआई कोटेड होता है आरबीआई कोटेड होता है एक्सचेंज रेट जिससे आप डॉलर बाई करते हो डॉलर सेल करते हो अदर अदर फॉरिन करेंसी बाई सेल करते हो वो आप आरबीआई के रेट के हिसाब से करते हो लेट मी टेल यू गाइस एक और एक्सचेंज रेट होता है जो एक्सचेंज रेट सीबीआईसी डिटरमाइन करता है ये एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है सीबीआईसी और ये मंथली डिटरमाइन करता है हर महीना का एक्सचेंज रेट फिक्स होता है जो सीबीआईसी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी निकालता है एवरी मंथ तो प्लीज याद रखिएगा आपको कस्टम ड्यूटी पर्पज के लिए आरबीआई का रेट नहीं लेना है आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए एक्सचेंज रेट विच इज कोटेड बाय सीबीआईसी वो ही लेना है यू विल नॉट कंसिडर आरबीआई रेट तो आपके एग्जाम में आरबीआई रेट भी रहेगा आपके एग्जाम में सीबीआईसी रेट भी रहेगा आपको कौन सा रेट लेना है आपको सीबीआईसी का रेट नहीं लेना आई मीन आरबीआई का रेट नहीं लेना है आपको सीबीआईसी का रेट लेना है आरबीआई का रेट देखते इग्नोर कर दीजिएगा क्लियर हुआ अब मेरा बात ध्यान से सुना प्लीज 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 ध्यान से सुनना देखिए गाइस थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन करिए दैट यू आर एक्चुअली अ सिचुएशन गुड्स इंडिया में आ रही है इंपोर्ट हुई आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और आप होम कंजन के लिए क्लियर करा लिया मतलब आप थोड़ा सा भी वेट नहीं किए गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ यू हैव इंपोर्टेड द गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंट्री इनवर्ट हुआ आपको परमिशन मिला आपकी चेकिंग वेकिंग हुई आपको प्रोसीजर में पढ़ाया जाएगा और फिर आपने कस्टम ड्यूटी पे किया बिल ऑफ एंट्री फाइल की और आपने गुड्स क्लियर करा लिया तो एक परफेक्ट सीनेरियो ये परफेक्ट सिनेरियो है तो यहां पर मैंने आपको कस्टम ड्यूटी का रेट कब का बोला बेटा जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की yes? या एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर अभी एंटी इनवर्ट वाला पॉइंट क्यों आया पता है क्योंकि अगर आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिए तब तो बिल ऑफ एंट्री अगर आप एडवांस में फाइल कर दिए तब तो आपका रेट पहले का आ जाएगा गवर्नमेंट बोले नहीं बिल ऑफ एंट्री डेट और एंट्री इनवर्ट विचरेज लेटर ले लो विच एवरेज लेटर तभी यहां पर ही आया अब मेरा बात ध्यान से सुना प्लीज एक्सचेंज रेट जो लेंगे आप एक्सचेंज रेट जो आप लेंगे वो हमेशा हमेशा बिल ऑफ एंट्री डेट का लेंगे एक्सचेंज रेट जो लेंगे वो हमेशा किस डेट का लेंगे बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ट यहां पर रेलिवेंट नहीं है यानी जिस दिन दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की उस दिन का जो सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट चल रहा है दैट विल बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग योर डॉलर इंटू रुपया कन्वर्टिंग योर डॉलर इंटू रुपया तो वेन आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन इन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जब हम बात क्या चीज का कर रहे हैं कन्वर्जन इन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जब आप इंपोर्टेड गुड्स का कन्वर्जन कर रहे हैं जब आप इंपोर्टेड गुड्स का कन्वर्जन कर रहे हैं इन दैट सिचुएशन आपको क्या लेना पड़ेगा द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन आपको क्या लेना पड़ेगा द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन कोई एंट्री इनवर्ड नहीं है यहां कोई एंट्री इनवर्ड नहीं ये तो क्या ओरिजिनल क्लियरेंस के लिए कि तुम पहली बार ही जगह और तुम क्लियर करा लिया लेकिन सोचो वेयरहाउस में जब डिपॉजिट हुआ वेयरहाउस से जब गुड्स निकाला तो यहां पे तो दो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है जब वेयरहाउस में डिपॉजिट किया तब और जब वेयरहाउस से क्लियर किया तब तो रेट ऑफ ड्यूटी के लिए कौन सा डेट लिखते थे लास्ट वाला लेटेस्ट एक्सचेंज रेट के लिए पुराना वाला लेना पड़ता है एक्सचेंज रेट के लिए पुराना वाला लेना पड़ता है पुराना वाला मतलब क्या जिस दिन तुमने डिपॉजिट किया वेयरहाउस में जिस दिन आपने डिपॉजिट किया बिल ऑफ क्या बोलते हैं वेयरहाउस में और जिस दिन यू हैव फाइल्ड, इसको बेटा अपने बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री या लिख लेना बेटा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग यहां क्या बोलते हैं अपने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर उसिंग इंटू बॉन्ड मतलब क्या एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट डिपॉजिट करते समय आपने जो गुड्स वेयर जो भी डेट उस समय जो भी रेट था आई I मीन mean, हाँ उस समय जो भी रेट था वो वाला रेट आपको लेना पड़ेगा मतलब सोचो वेयर हाउसिंग केस में क्या होता है जिस दिन आपकी गुड्स वेर हाउसिंग के लिए क्लियर हुई वेर हाउसिंग के, के लिए क्लियर हुई उस दिन का एक्सचेंज रेट ब्लॉक उस दिन, दिन एक्सचेंज रेट

उसिंग इससे भी ज्यादा इजी है स्टार्टिंग का टाइम में तो एक्सचेंज रेट ले लो और लास्ट का टाइम में क्या ले लो ड्यूटी रेट ले लो लास्ट का टाइम में क्या ले लो ड्यूटी रेट ले लो सर इसका क्वेश्चन कराएंगे ना तो और अच्छा लगेगा अरे सब कुछ दिया द रेट नोटिफाइड बाई सीबीआईसी शैल बी टेक इन अकाउंट एंड नॉट आरबीआई एंड फेमा सीबीआईसी का रेट ही लेंगे फेमा का रेट नहीं लेंगे सुनो बेटा ए, एक एक चीज सुन लो ना प्लीज जैसे आप इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री देखते हो ना वैसे ही हम एक्सपोर्ट जब पढ़ाएगा आपको तो वहां पढ़ाऊंगा एक्सपोर्ट के केस में हमें देखना होता है शिपिंग बिल आई रिपीट एक्सपोर्ट के केस में हमें देखना होता है शिपिंग बिल कौन सा बिल शिपिंग 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 बिल जो भी चीज बिल ऑफ एंट्री कस्टम में इंपोर्ट के केस में करता है वही चीज शिपिंग बिल एक्सपोर्ट में करता है एक्सपोर्ट के केस केस मतलब कस्टम में 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 एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के करता है जो चीज चीज आप आप कर रहे थे इंपोर्ट वही करोगे शिपिंग बिल में अब एक्सपोर्ट में तो ड्यूटी लगेगा नहीं ठीक है यहां पर क्या होगा हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज रेट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स तो यहां पर जो भी आपका शिपिंग बिल होगा क्या होगा बेटा शिपिंग बिल जो भी आपका शिपिंग बिल होगा या फिर हम उसको व्हीकल के केस में जब आप गुड्स व्हीकल से एक्सपोर्ट कर रहे हो जब आप गुड्स व्हीकल से एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो किससे एक्सपोर्ट कर रहे हो व्हीकल से या एयरक्राफ्ट से तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट आ जाएगा आपका क्या जाएगा? आपका आ जाएगा आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट आ जाएगा आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट आ जाएगा आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट आ जाएगा तो खाली नाम चेंज कर दिया बिल ऑफ एक्सपोर्ट व्हीकल एयरक्राफ्ट है और शिपिंग बिल क्या है एक्सपोर्ट है शिपिंग बिल क्या है? एक्सपोर्ट है क्लियर है क्या जिस दिन आपने फाइल किया अब एग्जांपल देखो एबीसी मैन्युफैक्चरर्स हैव इंपोर्टेड मशीनरी फ्रॉम यूएस वर्थ रुपीज टेन थाउजेंड डॉलर एबीसी मैनुफैक्चर ने टेन मशीनरी इंपोर्ट किया आपको क्या निकालना है एक्सचेंज रेट निकालना है तो डेट देखो क्या है चौबीस जून दो एंड ट्वेंटी जून टू बिल ऑफ एंट्री इनवर्ट डेट ये है, ठीक है ठीके? आपको निकालने बोला एक्सचेंज रेट ओके एक्सचेंज रेट नोटिफाइड एक्सचेंज रेट नोटिफाइड खाली मुझे लेना है. नहीं, हो गए ना नहीं होगा सर वहां पे तो एक्सचेंज रेट में हम को क्या बोला गया तुम्हें बस बिल ऑफ एंट्री लेना है ठीक है और बिल ऑफ एंट्री डेट क्या है ट्वेंटी फोर्थ जून उस दिन का रेट क्या है सिक्सटी एट तो तुम्हें अगर

फॉर सब्सिक्वेंट सेल इन इंडिया एक इम्पोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में फॉर सब्सिक्वेंट सेल इन इंडिया एट टेन थाउजेंडेबल वैल्यू बेसिसम्पोर्ट किया टेन थाउजेंड डॉलर में इम्पोर्ट किया आपको एक्सचेंज रेट दिया है और आपको रेट ऑफ ड्यूटी भी दिया है ध्यान रखे आपको एक्सचेंज रेट दिया और आपको रेट ऑफ ड्यूटी भी दिया है तो डेट ये दो है और एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाई सी बी आईसी और रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी दोनों दिया आपको डेट ऑफ ऑफ बिल ऑफ एंट्री है और और है 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 मार्च मार्च आपको आपको निकालने बोला है custom duty. आपको क्या निकालने बोला बोला क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या कर ले कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए क्या चाहिए कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए क्या चाहिए कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए मुझे असेसिबल वैल्यू चाहिए तो मैं असेसबल वैल्यू लिखूंगा बट एसेबल वैल्यू तो मुझे रुपया में चाहिए तो डॉलर जो टेन थाउजेंड दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करो एक्सचेंज रेट से अब एक्सचेंज रेट कब लेंगे अपने सेक्शन एक्सचेंज रेट कब का लेंगे जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है उसी दिन का आपको एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा तो टेन थाउजेंड डॉलर इंटू फिफ्टी एट दैट इज वॉट दैट इज फाइव लैक एटी थाउजेंड ये क्या आपका फाइव लैख एटी थाउजेंड अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है मेरे को बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है बेसिक कस्टम ड्यूटी मुझे निकालना है अब कस्टम ड्यूटी के लिए हम कौन सा डेट लेते हैं रेट कौन सा लेते हैं बिल ऑफ एंट्री डेट और एंट्री इनवर्ड विच इज लेटर तो इसमें तो यहाँ पर आपका ड्यूटी क्या होगा फाइव लाख एटी थाउजेंड के ऊपर आपको क्या ट्वेल्व परसेंट अप्लाई करना पड़ेगा आंसर क्या रहा? बताओ तो फाइव एटी थाउजेंड पे ट्वेल्व परसेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपका कस्टम ड्यूटी है दिस इज नॉट द आंसर यह आपका आंसर नहीं बताओ क्या करना है इसमें एक और चीज बाकी है सोशल वेलफेयर सरचार्ज वेरी गुड तभी मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था याद है ना सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट टेन परसेंट ऑफ बीसीडी उजेंड नाइन नाइन 6,960, ठीक है तो अब आपका टोटल कस्टम ड्यूटी क्या है मैं कस्टम ड्यूटी निकाल रहा हूं ठीक है क्योंकि यहां पर दो अमाउंट ही है मैं निकाल सकता हूं सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस सिक्स नाइन सिक्स जीरो सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव सिक्सटी दिस इज योर कस्टम ड्यूटी यही पूछा आपसे अब चुना सुनना मेरा बात और एक चीज आप कर सकते थे गाइस स्टूडेंट्स मेरे से कन, आ, कन, आ, पूछते हैं तो मैं पहले बता दे रहा हूं ये जो ट्वेल्व परसेंट बीसीडी है इसी का तो दस परसेंट लग रहा है तो टेन परसेंट ऑफ ट्वेल्व परसेंट कितना हुआ वन पॉइंट टू तो ट्वेल्व प्लस वन पॉइंट टू कितना हुआ थर्टीन पॉइंट टू तो अब यहां पर है ना थर्टीन पॉइंट टू के हिसाब से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे आपको अलग से नहीं दिखाना है आप दोनों मेथड कर सकते हो एसडब्ल्यू एस अलग से दिखा सकते हो वरना जो भी रेट रेट आएगा 15 है तो दस परसेंट और एड कर देना तो प्लस कितना हुआ बेटर है, है, है ये करना क्या होता है तो बाकी अगर आप मैथमेटिक्स में सॉलिड हो और आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो क्लियर है एग्जांपल फोर देखेंगे इंपोर्टर इंपोर्टेड सम गुड्स एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल ऑन 7th फरवरी 7th फरवरी को वेसल को एंट्री इनवर्ड्स मिला एंड द गुड्स वर क्लियरड फ्रॉम द चेन्नई पोर्ट फॉर वेयरहाउसिंग ऑन 8th फरवरी एंट्री इनवर्ड्स कब मिला 7th फेब को गुड्स चेन्नई पोर्ट से वेयर हाउसिंग के लिए क्लियर कब हुआ फ़रवरी को ध्यान से आफ्टर द बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड फेबर फॉर वेयर हाउसिंग मतलब ये वेयर हाउसिंग वाला केस है आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया था वेयर हाउसिंग के लिए फर्स्ट फेब को आपको एंट्री इनवर्ड मिला सेवेंथ फेब को केस को समराइज करो आपको एंट्री इनवर्ड मिला सेवेंथ फेब को और आपकी गुड्स चली गई चेन्नई पोर्ट से वेयर हाउसिंग के लिए एसेसिबल था एट फेप को एसेबल वैल्यू था टेन थाउजेंड अज्यूमिंग नो एडिशनल ड्यूटी इज पेबल गुड्स गुड्स वर एट चेन्नई चेन्नई चेन्नईस में था एंड क्लियर हो गया चेन्नई वेयर हाउस से ऑन फोर्थ मार्च फोर्थ मार्च को आपने गुड्स क्या करा लिया क्लियर करा लिया मतलब यहां पे आपको सारा डेट्स दे दिया कि आपने डिपॉजिट किया क्लियर किया सब कुछ दे दिया आपको अब आपसे पूछा व्हाट इज द ड्यूटी पेबल रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम गुड्स क्लियर कर रहे थे तो क्या ड्यूटी आपको, आपको ये तीनों डेट्स का एक्सचेंज रेट्स एंड कस्टम ड्यूटी बेटा दिया है तो चलो एक बार फटाफट खुद से ट्राई करो मैं आपको टाइम दे रहा हूं पेंसिल यूज करो और खुद से ट्राई करो कि आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी क्या लगने वाला है खुद से ट्राई करो देखिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की वेयर हाउसिंग के लिए कब फर्स्ट फेब्रवरी को इस दिन जो नोटिफाइड सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट फिफ्टी फाइव आपको यही वाला लेना पड़ेगा ये क्लियर है अब अल्टीमेटली आपकी गुड्स अब आपको रेलिवेंट डेट ऑफ ड्यूटी रेट चाहिए तो यहां पे आपने क्या पढ़े थे जो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे फॉर द फाइनल होम अब मतलब जिस दिन क्लियर हुआ है तो गाइस यहां पे जिस दिन क्लियर हुआ है हम ऑब्वियसली मानेंगे इसी दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होगा तो आपका रेलिवेंट डेट ऑफ ड्यूटी क्या आ जाएगा ट्वेल्व परसेंट क्लियर हुआ तो एसेसिबल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं टेन थाउजेंड था ना बी सी डी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड तो आपका टोटल कस्टम ड्यूटी बनता है सेवेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्लियर है ना मजा आ रहा है ना एक बार समझ लेते तो मजा आता है करने में चलिए अब एक बार बेटा आ जाओ एक्सपोर्ट में आ जाओ फटाफट फटाफट एक्सपोर्ट में आ जाओ जैसे इंपोर्ट में बड़े एक्सपोर्ट में भी देख लेते हैं टैक्सेबल ऑलमोस्ट सेम है टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया आप इंडिया के बार क्या कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो ठीक है इंडिया के बार आप क्या कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ध्यान से सुनना जैसे इंपोर्ट के, के केस में अपने बिल ऑफ एंट्री देखते हैं फॉर होम कंजम्पन एक्सपोर्ट के केस में टैक्सेबल इवेंट अराइजेस वेन द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर मिटिंग द क्लियरेंस दी आउटवर्ड्स एंट्री इनवर्ट क्या था इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में क्या है एंट्री आउटवर्ड्स ग्रांटेड एंड लोडिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन टुक प्लेस अंडर सेक्शन फिफ्टी वन ऑफ द कस्टम्स एक्ट ये सब सेक्शन से नॉल आपको याद नहीं रख रहा बस आप ये याद रखेंगे कि एंट्री आउटवर्ड एंट्री आउटवर्ड क्लियरेंस ऑर्डर इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्ट क्योंकि उसी दिन वो गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है इट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंट्री आउटवर्ड और क्लियरेंस ऑर्डर मतलब जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर आपको अलाउ कर देता है कि हा जाओ तुमने सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लिया तुम्हारा गुड्स अब इंडिया के बाहर जा सकता है क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया उसी दिन आपका टैक्सेबल इवेंट आता है उसके लिए आपको दो चीज चाहिए एक्सचेंज रेट किस दिन का लेंगे और एसेबल वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्सचेंज रेट जो आप लोगे हम लोग बात कर चुके थे जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया है

किस वैल्यू पे आप ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एफ ओ बी समझ में सर हम इंडिया के बाहर सेल कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द गुड्स एट आवर पोर्ट विल बी द ड्यूटी विल बी द वैल्यू ऑन विच विल बी कैलकुलेटिंग द कस्टम ड्यूटी तो यहां पर क्या बोला गया है एफ ओ प्राइस ऑफ द गुड्स एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन विल बी द दसेसबल वैल्यू ऑफ द गुड्स ये मैं आपको डिटेल में वैल्यूएशन में पढ़ाऊंगा एक बार आप पढ़ लीजिए ट्रांजैक्शन वैल्यू

वही आपका एफ प्राइस और एफ प्राइस ही आपका एसेसेबल वैल्यू है तो एसेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगा एफ प्राइस हो जाएगा और एफ प्राइस क्या हो गया ट्रांजेक्शन वैल्यू एट प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन शॉर्ट में यही है ट्रांजेक्शन वैल्यू एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन ट्रांजेक्शन वैल्यू एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन क्लियर है मुझे बताओ एक्सपोर्टर के लिए जब हम एफ निकाल रहे हैं तो काल लास्ट क्लास में मैंने आपको सीएफ के लिए जब पढ़ा रहा था तो एक्सपोर्टर के लिए भी तो यही कॉन्सेप्ट होगा ना कि एक्सपोर्टर अपने फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस किया ठीक है और एक्स फैक्ट्री प्राइस पे गुड्स बेचा किस प्राइस पे एक्स फैक्ट्री प्राइस पे गुड्स बेचा वहां से उसको पोर्ट तक लाने का जो भी चार्जेस लगा है ये सब कुछ क्या हो जाएगा आपके एफ में ऐड हो जाएगा जैसे अपने सीएफ निकालने के लिए एफ निकाल रहे थे और एफ निकालने के लिए अपने एक्सपोर्टर कंट्री के एक्स फैक्ट्री प्राइस को पकड़ रहे थे और वहां से सारे चार्जेस को ऐड करके एफ वैल्यू तक पकड़ रहे थे इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप एफ में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्टर कंट्री मतलब आपका जो कंट्री है इंडिया का जो कंट्री है इंडियन कंट्री से आपको अपना सारा खर्चा जोड़ना पड़ेगा एक्सपोर्टर को अपना सारा खर्चा जोड़ना पड़ेगा कहां तक देखिए एक्सपोर्टर के लिए एफ ओ बी वैल्यू है वो क्या है इट मीन ऑल द एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिडर अपडिंग द गुड इन टू द वेल और एयरक्राफ्ट और व्हीकल इंकर्ड बाई द एक्सपोर्टर फ्रॉम द इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फ्री ऑन बोर्ड मतलब सर इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो एफ ओ बी है अब जैसे मान लीजिए ध्यान से सुनो अगर हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्राइस है सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआईएफ है CIF क्या हो क्या होगा होगा उसके पोर्ट पोर्ट तक तक मेरे हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं हम जब इंपोर्ट कर रहे थे तो उसका प्राइस जो एफ है मेरा प्राइस भी वही पे एफओ है बट वही प्राइस अगर मेरे पोर्ट तक आएगा गुड्स का तो उसका प्राइस हो जाएगा सीआईएफ उसका प्राइस क्या हो जाएगा सीआईएफ तो एफओ बी क्या है एफओ बी वैल्यू सबके लिए सेम ही है ध्यान से सुनो पोर्ट ऑफ पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन तक जो प्राइस होगा दैट विल दैटी दी वैल्यू दैट विल बी दैटीबी वैल्यू यानी इंडिया वाला भी अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका एक्सपोर्टेशन पोर्ट तो इंडिया ही है यहां तक जो प्राइस आ जाएगा यहां तक जो चार्जेस लगेगा वो सब क्या है एफओबी वैल्यू बट ये अगर हम सी आई एफ बोल दे तो वंस द गुड्स रीचेस टू द इंपोर्टर कंट्री और इंपोर्टर कंट्री एयरपोर्ट दे हैव टू टू पे कॉस्ट दैट इज इंश्योरेंस एंड फ्रेट फ्रॉम एक्सपोर्टर कंट्री कंट्री इंपोर्टर मतलब मतलब बोलने का है कि एक बार अगर गुड्स फॉरिन कंट्री के पोर्ट में तो उसको एफ ओ वैल्यू बोलते हैं वंस इट रीचेज इंडिया इट इज सी आई एफ ये क्या हो गया इंपोर्ट के केस में ये क्या हो गया इंपोर्ट के केस में अब एक्सपोर्ट के केस में भी सोचिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्या हो गया एफ ओ बी हो गया और सामने वाले प्राइस के लिए क्या हो गया सीआईएफ हो गया उल्टा सीधा और जब हम सीआईएफ बोलते तो सी क्या हुआ एफ ओ बी कॉस्ट प्लस इस बीच उसने जो भी चार्जेस इंकर किया है दैट इज इंश्योरेंस का चार्जेस इंकर किया है और फ्रेट का चार्जेस इंकर किया है ये दोनों चार्जेस जुड़ेगा और ये मिल जाएगा आपको सीआईएफ वैल्यू और सीआईफ वैल्यू को ही हम एसेबल वैल्यू बोलते हैं और इसी पे आप कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं और एक्सपोर्टर के लिए एफ ओ बी वैल्यू को ही हम एसेबल वैल्यू बोलते हैं और अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट होगा तो इसी पे कैलकुलेट होगा फंडामेंटली चीजों को समझेंगे तो लॉन्ग लाइफ याद रहेगा इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी यही बोलता है ऑल इंपोर्ट इन टू इंडिया आर इन वैल्यू जितनेट्स इंडिया में होंगे वो CIF के टर्म्स में मेजरेबल होंगे और जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे वो एफ ओबी टर्म्स में मेजरेबल होंगे अरे बोलिए तो करिए निकालिए फटाफट एग्जाम्पल नंबर फाइव क्विक एग्जाम्पल नंबर फाइव करिए

फाइव डॉलर सिक्सटी सिक्स और कस्टम ड्यूटी का रेट भी दिया है तो रेट ऑफ एक्सचेंज इज नोटिफाइड फॉर द एक्सपोर्ट बाई सीबीआईसी आपको इसका आंसर निकालना है क्विक एक्सपोर्ट में एसडब्ल्यूएस नहीं लगेगा नो एसडब्ल्यूएस ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी ठीक है आपको पढ़ाया जाएगा बेटा एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कभी भी एसडब्ल्यूएस नहीं लगेगा वहां पे खाली ड्यूटी लगेगा तो वहां पे मत जोड़िएगा प्लीज गुड पॉइंट लविश एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कभी भी एसडब्ल्यूएस नहीं लगेगा तो चलिए एफ वैल्यू क्या आ रहा है वन लैख डॉलर व्हाट इज द एक्सचेंज रेट जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री सॉरी शिपिंग बिल आपने प्रेजेंट किया ट्वेंटी एथ फेब ट्वेंटी फेब को एक्सचेंज रेट क्या है सिक्सटी फाइव करेक्ट अब आपको क्या निकालना है कस्टम ड्यूटी क्या बोले थे हम लोग एक्सपोर्टेशन कब प्लेस होगा जिस दिन आपने क्लियरेंस ऑर्डर जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू किया है उसी दिन का आपका रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस ऑर्डर दिया है उसी दिन का आपका रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा क्लियरेंस ऑर्डर क्या है फर्स्ट मार्च तो फर्स्ट मार्च को रेट ऑफ ड्यूटी क्या है एट परसेंट दो एसडब्ल्यू एस ज चार्ज ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी ठीक है सोशल वेलफेयर चार्ज नहीं होता एक्सपोर्ट ड्यूटी में सोशल वेलफेयर चार्ज नहीं होता एक्सपोर्ट ड्यूटी में तो ये था इस अपना आज के क्लास का डिस्कशन नाउ इन दिस चैप्टर

बहुत सारा केसेस डिस्कस करेंगे अपने या फिर आपकी गुड्स की पिलफ्रेज हो गई चोरी हो गई छोटी मोटी तो ये सब सिचुएशंस में गवर्नमेंट बोलती है ड्यूटी का क्या होगा ये सब सब स्पेशल है मान लीजिए आप गुड्स इंपोर्ट किए आपने थाउजेंड के इंपोर्ट किया जबकि आपको रिसीव हुआ एट हंड्रेड फिफ्टी के चोरी हो गया तो कस्टम ड्यूटी कैसे लगाया जाएगा तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में टॉपिक विल बी दिस ओनली ड्यूटी लाइबिलिटी इन स्पेशल सर्कमस्टांस ये चारों पांचों सेक्शन एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है अपने ये सारे पढ़ेंगे देखो अपने ये सारे पढ़ेंगे अपने पढ़ेंगे जहां पर आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट कुछ कुछ एग्जन देकर रखा है फ्रॉम ड्यूटी लाइबिलिटी इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस इससे अपना कंसेप्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी

कस्टम्स का सारा क्लासेस करते रहिए ट्रस्ट मी यू विल फाइंड द चैप्टर वेरी वेरी यूजफुल एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोर ओवर इट इज वेरी मच स्कोरिंग इन एग्जामिनेशन कस्टम जितना स्कोरिंग है जीएसटी उतना स्कोरिंग नहीं है अगर आता है तो अगर कस्टम्स अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं कस्टम्स में से जिससे आपका मार्क्स बहुत अच्छा खासा पुल हो सकता है जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं थैंक यू सो मच सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट क्लास बबाई मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में और जो बच्चे अभी लाइव कर रहे हैं बेटा जस्ट आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज से हम लोग का इनकम टैक्स का भी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है वन फोर्टी से अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब लाइव वन फोर्टी फाइव पी होगा जहाँ पे हम खाली एमसीक्यूज के स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे कस्टम्स आपका नाइन नाइन ई वाला स्लॉट में चली रहा है वेरी सुन इनकम टैक्स फिनिश होने के बाद जीएसटी का भी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा जीएसटी का भी प्रैक्टिस सेशन लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होगा प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड ये जो भी नोट्स है ना मुझे कुछ टाइम दीजिए मैं सारा नोट्स आपका अपलोड करवा दूंगा कस्टम का भी नोट्स मैं आपका अपलोड करवा दूंगा ठीक है कस्टम का भी नोट्स मैं आपको अपलोड करवा दूंगा जो ऑलरेडी हमारे इनरोल स्टूडेंट्स आपको तो हार्ड कॉपी गया ही है बाकी बाकी जो स्टूडेंट्स है क्योंकि कस्टम में थोड़ा सा बहुत सारे रिक्वेस्ट है मेरे को बोल के मैं ये कर रहा हूँ कि कस्टम का भी नोट्स मैं आपको दे दूंगा तो आप उससे पढ़ लीजिएगा ठीक है ना गाइस दैट्स इट फॉर द डे थैंक यू सो मच कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं वरना आज का क्लास मैं क्लोज करता हूं मिलते हैं आप लोग से वन फोर्टी फाइव पी एम फॉर दी प्रैक्टिस सेशन ठीक है अच्छा और आज फोर थर्टी पी एम को अपना रिटर्न का लास्ट क्लास होने वाला है जो बच्चे हमारे लाइव एट होम बैच के स्टूडेंट्स हैं याद रखिएगा ठीक है कोई डाउट्स विवेक आप शाम का क्लास क्यों नहीं करते हो फोर थर्टी पी एम अच्छा आप बैक चल रहे होंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं चलो 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 थैंक यू सो मच मिलते हैं नौ बजे कल फॉर कस्टम्स का थर्ड क्लास ओके कल अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा प्लीज डोंट मिस टूमारोज क्लास बिकॉज टुमारोज क्लास इज इंपॉर्टेंट ओके चलो बाय बाय सी यू टेक केयर